गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग घर पे अच्छे होंगे। और बीच में थोड़ा सा एक पॉज आ गया था मेरे वीडियो लेक्चर्स अपलोड करने में, तो सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली आई वॉज COVID-19 पॉजिटिव एंड आई एम एक्चुअली COVID-19 पॉजिटिव राइट नाउ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे मैं यहाँ पे अकेले रूम में क्वारंटाइन होने से बेटर है कि इसके साथ साथ कुछ ना कुछ चलो बच्चों के लिए वीडियोस बनाए जाए। तो लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे वाटर पोल्यूशन के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। जल प्रदूषण के प्रकार हमने पढ़ लिए थे, जल प्रदूषण के क्या क्या प्रकार हैं। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन। ठीक है, जल प्रदूषण का प्रभाव हमें क्या देखने के लिए, पता ही है, इट्स वेल एविडेंट एंड आप लोगों को पता है कि जल प्रदूषण जो है का प्रभाव ना ही सिर्फ प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर देखने के लिए मिलता है, बल्कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी होता है। ठीक है, क्योंकि अगर पानी प्रदूषित होगा, गंदा होगा पानी, उसका अगर उपयोग किया जाता है तो उसमें होने वाले पौधे जो हैं उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, वहां पे होने वाले जो प्राणी हैं उनके ऊपर, वहां पे रहने वाले मनुष्य जो है मानव प्रजाति के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सूक्ष्म जो जीव होते हैं, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। मेजरली पोल्यूटेड वाटर से होता क्या है, प्रदूषित पानी जो है इस प्रदूषित पानी से बीमारियां फैलने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो जनरली सेवरल एपिडेमिक्स जो है वो स्प्रेड हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डेंजरस डिजीजेस स्प्रेड हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां जो हैं पोल्यूटेड पानी से या गंदे पानी से, प्रदूषित पानी से फैलती हैं, जैसे कि कॉलरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, जॉन्डिस हो गया, डाइसेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया, पैराटाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, ये सब जो है ये उनको प्रभावित करती हैं। इसके अलावा अगर सॉलिड मिनरल्स मिक्स्ड अगर जो पानी है, ठीक है, वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाए ना, ये पीने के लिए ऐसे पानी का उपयोग किया जाए जिसके अंदर ठोस जो खनिज के पदार्थ है वो मिले हुए हो, तो वो उससे इवन जानलेवा बीमारियां हो सकती है, फेटल डिजीजेस हो सकती हैं उनके कंजप्शन से। जैसे कि अगर फाइब्रस ऑफ एस्बेस्टॉस मिला हुआ पानी का अगर यूज किया जाए, अगर पिया जाए उसको, तो लंग कैंसर हो सकता है उससे, स्टमक डिजीज हो सकती है जैसे कि एस्बेस्टॉस है। ऐसे अगर मरकरी मिला हुआ पानी जो है वो अगर यूज कर दिया जाए तो उससे मीनामोटा डिजीज जो है ये हो सकती है। ऐसे ही और बहुत सारे केमिकल्स रसायन होते हैं जो कि बहुत ही हानिकारक होते हैं, बहुत ही पॉइजनस होते हैं, बहुत ही जहरीले होते हैं, जिससे पौधों को कहते हैं इवन वहां पे रहने वाले जानवरों को उसके ऊपर प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। जनरली हम ये जो पोल्यूटेड वाटर है, जैसे कि हमने डिफरेंट सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन की बात करी थी, तो जैसे कि अगर कोई नदी है या फिर कोई तालाब है, कोई सरोवर है, वो प्रदूषित हो जाता है, या फिर ग्राउंड वाटर भूजल जो है वो प्रदूषित हो जाता है, उसी पानी को हम दोबारा खेती के लिए उपयोग में लेकर के आ रहे हैं, तो खेती के लिए उपयोग में लेकर के आने के बाद वो जो खेती से जो पाक हो रही है, जो भी अनाज फसल हो रहा है, उसका फिर से दोबारा उसका उपयोग करना, ठीक है, तो इन सबसे जो है बीमारियां फैलने की जो आशंकाएं हैं वो ज्यादा बड़ी भी हमें देखने के लिए मिलती है। तो मेजर हम इसके अंदर ये बात करें तो ये एक सबसे बड़ा जो इसके इफेक्ट्स हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर अगर उसके अंदर डिफरेंट बैक्टीरियाज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, या इवन मिट्टी की मात्रा भी पानी के अंदर बढ़ती है, तो वो भी पानी को प्रदूषित करने का काम करता है। ऐसे ही अगर पानी के अंदर लवणों की मात्रा बढ़ जाती है या सॉल्ट्स बढ़ जाते हैं, तो वो जो पानी है अगर उसको भले ही सिंचाई के लिए उसका उपयोग किया जाए, खेती के लिए अगर उसका उपयोग किया जाए, तो मिट्टी के अंदर जो एल्कलिनिटी है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे जमीन बंजर हो जाती है। और ऐसे ही ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी मात्रा अगर बढ़ जाती है कोई तालाब के अंदर, तो वहाँ पे यूट्रोफिकेशन हो जाता है। यूट्रोफिकेशन में जलकुंभी, एक अपने पौधा आपको पता होगा, उसकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने से क्या है,
वो पूरे पानी के सरफेस के ऊपर, पानी की जो सतह है उसके ऊपर कवर हो जाती है, तो उसके नीचे जो रहने वाले जीव है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो वो उस वजह से मर भी जाते हैं। तो ये काफी सारे जो इसके इम्पैक्ट है हमें देखने के लिए मिलते हैं। हम इनको एक समराइज करेंगे ये इन इफेक्ट्स को बुलेट पॉइंट वाइज, कि किस तरीके से आपको एक इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूज ऑफ पॉल्यूटेड वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस कॉजेस एपिडेमिक्स सच एज कॉलरा एंड सेवरल अदर डिजीजेस सच एज ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, जॉन्डिस, डायसेंट्री, पैराटाइफाइड एंड डायरिया। ठीक है, तो जो प्रदूषित पानी है उससे बीमारियां फैलती हैं, और फैलने वाली बीमारियां एपिडेमिक्स जैसे कि कॉलरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टाइफाइड, जॉन्डिस, डायसेंट्री, पैराटाइफाइड जैसी बीमारियां हमें देखने के लिए मिलती हैं, साथ ही साथ डायरिया भी। सेकेंड इज दैट वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूटेड विथ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रेस मिनरल्स कॉजेस स्टोमक डिसऑर्डर्स एंड कैंसर्स मेनली इन द हिली एरिया सच एज इन उत्तराखंड, सिलरोसिस, हार्डनिंग ऑफ द टिश्यूज एंड आर्टरीज ऑफ द ह्यूमन बॉडीज। अगर उच्च मात्रा के अंदर कोई भी ट्रेस मिनरल भी है या ट्रेस मेटल है, कम बहुत ही थोड़ा सा ही अगर एक कोई धातु है जो पानी के अंदर मिल जाता है, वो पानी को प्रदूषित करता है जिससे कि पेट की बीमारियां या फिर कैंसर जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। खास करके ऐसा हिली एरियाज के अंदर, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, उत्तराखंड में हमें देखने के लिए मिलता है। फिर सिलोरसिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। सिलोरसिस के अंदर क्या होता है कि जो शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं, जो टिश्यूज और आर्टरीज हैं, वो कठोर होने लगते हैं, वो सख्त होने लगते हैं, उनकी हार्डनिंग जो हमें देखने के लिए मिलती है। देन वाटर कंटामिनेटेड बाय द फाइबर्स ऑफ द एस्बेस्टॉस व्हेन यूज बाय ह्यूमंस कॉजेस एस्बेस्टोसिस, अ फॉर्म ऑफ अ लंग कैंसर, वेयर द वाटर लोडेड विद द कंसेंट्रेटेड ऑफ लीड बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट कॉजेस लेड पॉइजनिंग, एंड द वाटर पोल्यूटेड विद मर्करी कॉजेस मीनामोटा डिजीज इन द ह्यूमंस। फिर कुछ और भी इस तरीके के मिनरल्स हैं वो भी पानी के अंदर अगर मिलते हैं, ठीक है, एक क्या होता है, एक परमिसेबल लिमिट होती है, एक ऐसी एक लिमिट है जो बताई गई है, प्रिस्क्राइब्ड है कि इतना अगर होगा पानी के अंदर तो ठीक है, चलेगा, ठीक है, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा हमारे शरीर को। लेकिन अगर उससे ज्यादा उसकी मात्रा होती है तो उसके प्रभाव हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि फाइबर्स ऑफ एस्बेस्टोस की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है पानी के अंदर, उस पानी का अगर हम पीने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपके एस्बेस्टोसिस नाम की बीमारी जो है वो हो सकती है। तो अगर लेड की मात्रा ज्यादा हो, लेड पॉइजनिंग हो सकता है। अगर मरकरी की मात्रा ज्यादा हो पानी के अंदर तो मीना मोटा जैसी डिजीजेस हो सकती हैं, और ये डिजीजेस फेटल हैं, यानी कि अगर बीमारियां हो गई तो मृत्यु होना निश्चित है। फिर आपके हैं हाई कंसेंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक मैटर कॉजेस सीवियर स्किन डिजीजेस एज हैपेंस इन कोलकाता एंड इट्स एनवायरमेंट्स। आर्सनिक जो है ये कुदरती नेचुरली एलुवियल सॉइल्स के अंदर खास करके मिलता है, यानी कि कांपनी मिट्टी वाला जो क्षेत्र होता है वहां पे हमें आर्सनिक देखने के लिए मिलता है। ये मुख्यतः अगर हम बात करें तो गंगा यमुना नदी का जो मैदान वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे भी खास करके जो लोअर गंगा लाइन रीजन है, यानी कि जब गंगा नदी समुद्र के अंदर मिल रही होती है तो वहां पे उसका ढलाव बहुत कम हो जाता है, स्लोप कम हो जाता है, वहां पे आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है, जैसे कि कोलकाता के अंदर। और अगर ये आर्सेनिक वाला पानी अगर पिया जाए तो आर्सेनिक कौन से पानी में मिल रहा है, मेनली वहां पे ग्राउंड वाटर में, भूजल जो है उसके अंदर आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है। तो ये जो पानी का अगर उपयोग किया जाएगा तो फिर उससे स्किन डिजीजेस हो जाती हैं, चर्म रोग जो है, चामड़ी के जो रोग हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपका है हैवी कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन द वाटर ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। अगर टॉक्सिक केमिकल्स हैं यानी कि पॉइजनस जहरीले ये जो रसायन है, अगर उनकी मात्रा बढ़ती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो भी उसका भी प्रभाव हमें जो है देखने के लिए मिलता है। उससे भी वो पानी का उपयोग अगर वहां पे रहने वाले जीव जंतु यूज कर रहे हैं, या कोई प्लांट्स पौधों को दिया जा रहा है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज किया जा रहा है, या फिर
जो जलीय जीव होते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स उनके द्वारा यूज किया जा रहा है, तो उनकी डेथ उस वजह से हो जाती है. देन वाटर पोल्यूटेड विथ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड आउटकम्स ऑफ द एसिड रेन कॉजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट लेक्स पॉन्ड्स एंड दिस हैज हैपेंड इन स्वीडन यूरोप. अगर सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जल के अंदर, जो कैसे बढ़ सकती है, अगर जो वायु का हवा का प्रदूषण होता है उससे अगर हवा के अंदर सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो अगर बारिश होगी तो सल्फ्यूरिक एसिडिक रेनफॉल हमें देखने के लिए मिलेगा. और ऐसी बारिश जब होती है तो वो जहां पे भी ऐसी बारिश गिर रही है वहां पे मिलने वाले जो बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर इसका प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है. फिर साथ ही साथ वहाँ पे जो भी खेती अगर है, वनस्पति है, या फिर कोई तालाब वगैरह है उसमें पानी गिरता है, तो उस पानी को वो एसिडिक कर देता है, अम्लीय बना देता है, तो पानी को खराब कर देता है. देन हैवी कंसेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स कॉजेस यूट्रोफिकेशन. इफ द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इंक्रीजेस इन द पॉन्ड्स लाइक how can the organic inorganic nutrients increase? जैसे कि आपके घर से जो गंदा पानी निकलता है, ठीक है, उसके अंदर ऑर्गेनिक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है. ऐसे ही आपके जो खेती के अंदर हम कीटनाशक दवाएं या रासायनिक खातरों का उपयोग करते हैं उसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं. तो ये जब बह करके कोई तालाब में, कोई नदी में, कोई सरोवर में, वहां पे अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वहां पे जलकुंभी जैसे जो पौधे हैं वो बढ़ जाते हैं, उनकी मतलब वो बहुत जल्दी इंक्रीज होने लग जाते हैं. और ये जो पौधे हैं ये यूट्रोफिकेशन करते हैं, इनकी पूरी पानी की जो सतह है उसको ढक लेगी, ठीक है, उसको ये ढकने की वजह से उसके नीचे जो रहने वाले जो जलीय जीव जंतु हैं उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलेगी और उनकी मृत्यु निश्चित. द यूज ऑफ रिवर वाटर विद हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सैंड लोड फॉर द इरिगेशन पर्पसेस रिड्यूसेस द सॉइल फर्टिलिटी एंड रेजेस द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ सॉइल. और अगर ऐसा पानी का सिंचाई के लिए उपयोग किया जाए जिसके अंदर मिट्टी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो वो भी क्या है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के जो मिट्टी की फलरूपता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको वो रिड्यूस कर देता है. देन वाटर्स हैविंग द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कंटेंट इंक्रीजेस एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल. और अगर लवणीय जल है उसका अगर उपयोग किया जाए सिंचाई के लिए तो वो भी मिट्टी के अंदर एल्कलिनिटी ले आता है, यानी कि मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है, मिट्टी की फलरूपता जो है उसको प्रभावित करता है. सी वाटर पोल्यूशन विद द ऑयल स्लिक्स कॉजेस ecological disasters in the marine littoral ecosystems because of the mass deaths of the marine organisms including the fishes. Sea water pollution होने से, यानी कि दरियाई जो जल है उसमें खास करके समुद्र के नीचे जो है तेल निकलता है, तो वो तेल निकालते टाइम पे उस तेल का बह जाना, ठीक है, वो या फिर वो जो तेल कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, उसमें उसका बह जाने से दरियाई जो जीव है, ठीक है, दरिया के अंदर रहने वाले जो फिशेज वगैरह मछलियां वगैरह हैं उनके ऊपर उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है, उनकी डेथ हो जाती है. तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ये तो हमने बात करी इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन की, जल प्रदूषण के प्रभाव की. अब हम बात करेंगे कंट्रोल्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन, मेजर्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण ने अटकाव क्या थी करी शकाय छे. ओके, तो कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे रेमेडीज चाहिए, एंड एवरी इंडिविजुअल, एवरी कम्युनिटी, एवरी गवर्नमेंट एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल, हर कोई को अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना जरूरी है और ये चीजें फॉलो करना जरूरी है. इसमें पहला आता है द इंडिविजुअल्स मस्ट बी एजुकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड इट्स एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड वेल्थ. सबसे पहली चीज जो है शिक्षित करना, लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, किसके बारे में उनको पता होना चाहिए, जल प्रदूषण होता क्या है, किस तरीके से होता है, उसका मानव
स्वास्थ्य के ऊपर और मानव के इवन वेल्थ के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है. देन देयर मस्ट बी अ मास अवेयरनेस एंड द करेक्ट परसेप्शन एट द कम्युनिटी लेवल अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना चाहिए, लोगों का परसेप्शन जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए जल प्रदूषण को लेकर के, ताकि उसको कम किया जा सके या उसको रोका जा सके. पीपल मस्ट रिस्ट्रेन देमसेल्व्स फ्रॉम थ्रोइंग ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटर्स इन द गार्बेजेस इनटू एनी वाटर बॉडीज. और लोगों को इतना समझाना चाहिए कि कोई भी वाटर बॉडी है, कोई भी नदी वगैरह है, उसमें आप कोई भी कचरा वगैरह ना डालें. एनिमल एक्सक्रीटा या ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो उसके अंदर नहीं डालना चाहिए. Then the industrial units and the municipal corporations must arrange for the sewerage treatment plants and treat the pollutant water before discharging effluents into the lake and the rivers. कोई भी जो औद्योगिक इकाई है या फिर municipality से जो गंदा नाले का जो पानी आता है उसको कोई भी तालाब या नदी के अंदर छोड़ने से पहले उसका सीवरेज का ट्रीटमेंट होना चाहिए. उसे को पहले प्रदूषित उस पानी को साफ किया जाना चाहिए, उसी के बाद उसको उसमें छोड़ा जाना चाहिए. The government should provide adequate funds to the municipal corporations for making the water pollution control more effective. और लो सरकार को ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा जो है फंड मुहैया करवाए, पैसे दे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, ताकि ये जो वाटर पोल्यूशन है उसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सके, ताकि उसका जो प्रभाव है उसको हम घटा सके. Then government must bring in force effective laws of the water pollution control measures. फिर कुछ laws government के द्वारा जो बनाए गए हैं, ठीक है, water pollution control के लिए, जल प्रदूषण के अटकाव के लिए, उनको follow भी करना चाहिए, उनको लोगों से follow भी करवाना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है. The individual communities, officials and the owners of the mills must be tried in the court of the law and suitability. He penalized under strict laws if they violate the provisions of the pollution control. अगर कोई प्रदूषण जल प्रदूषण के नियंत्रण के जो नियम है उन नियमों को कोई भी नहीं मानता है, ठीक है, चाहे वो कोई बड़ा अफसर हो, अधिकारी हो, या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई औद्योगिक पर्सन हो, तो उसके ऊपर बकायदा जुर्माना लगना चाहिए और उसके ऊपर केस होना चाहिए, तभी हम वाटर पोल्यूशन जैसी ये जो प्रॉब्लम है जो खास करके अभी अलार्मिंग हो गई है, कहाँ पे बड़े बड़े सिटीज के अंदर जहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा हैं, जैसे कि आपको दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि वाटर पोल्यूशन का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा हो गया. फिर लोगों के एक ऑर्थोडॉक्स रिलीजन फेथ जो है उसको भी इम्प्रूव करना जरूरी है. जैसे कि हमारे कोई भी क्रीमेशन होता है, किसी भी व्यक्ति की कोई किसी की मृत्यु होती है, तो उसकी वो जो राख है उसको बहाने के लिए गंगा के अंदर जाया जाता है. तो जिसकी वजह से कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी के पास में अगर हम देखें तो गंगा नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है, ठीक है. फिर गंगा नदी को इतना पवित्र मानना जाता है, इस वजह से सब उसी में जा करके उसमें नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, कुंभ मेला के तहत लगता है, तो उससे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है. फिर हमारे कुछ त्यौहार आते हैं जैसे कि गणेश चतुर्थी आ गया, ठीक है, तो इन त्योहारों में हम जो देवता की जो मूर्ति है उसको विसर्जन पानी के अंदर जाकर के करते हैं. और आजकल तो ये सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो गई है, क्योंकि हर कोई अपने घर में अलग गणपति या जब भी ये नवरात्रे होते हैं माता का विसर्जन, वो माता स्थापित करते हैं, और हर कोई इंडिविजुअल उसका विसर्जन करने लगा. पहले क्या होता था कि मिट्टी से उनको बनाया जाता था, चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे, तो वो फिर भी आप पानी के अंदर जाकर के बहाते थे तो पानी को प्रदूषित नहीं कर रहा था. लेकिन अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए बड़े सुंदर सुंदर मूर्तियां मिलती हैं, ठीक है, बहुत ही सुंदर लगती हैं. हम क्योंकि वो सुंदर लग रही हैं इसलिए हम उनको अपने घर में ले आते हैं, ठीक है, हम स्थापित करते हैं उनको. फिर उसके बाद जब वो 9 दिन या जितने भी दिन होते हैं ऑस्पिशियस डेज होते हैं वो पूरे होते ही हम उनको उनका विसर्जन करके आता है. तो हम कितनी सारी संख्या के अंदर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस या उसके ऊपर सुंदर है तो उसके ऊपर देखो केमिकल लगाए, केमिकल से उनको सुंदर बनाया, तो ये केमिकल हम उसके अंदर बहा रहे हैं, तो हम पानी का प्रदूषण कर रहे हैं. क्या हम ऐसा पानी का प्रदूषण कर रहे हैं उसमें हमने ये जो भी मनोकामना मांगी तो क्या भगवान ये मनोकामना पूरी करेगा हमारी?
और यही चीजें हैं कि हमारी ये जो अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के वजह से ही कि हमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अभी ये कोविड को लेकर के भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं, तो वो इसीलिए है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं ये हैं। वो बहुत समझना बहुत जरूरी है। अभी गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 बनाया है, ठीक है। तो इसका एम है कि गुड वाटर क्वालिटी फॉर ह्यूमन यूज जो है मेंटेन किया जा सके, ये ठीक है। फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर हर किसी को अवेलेबल करवाया जा सके, ये। और बहुत सारे सेंट्रल वाटर कंट्रोल के एक्ट्स बनाए गए हैं इसके लिए गवर्नमेंट ने, बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले भी बहुत बनाया, इंडिपेंडेंस के बाद भी, आज़ादी के बाद भी बहुत बनाया, जैसे कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन रेगुलेशन 1958 बनाया गया। तो ये सब सिर्फ बनाया जाना ही नहीं, इनका जो यूज है कहते हैं इनको फॉलो करवाना जो वो करना चाहिए। जैसे द रिवर बोर्ड एक्ट 1956 में बनाया गया, मर्चेंट शिपिंग एक्ट के बनाया गया 1970 में, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन 1974 में बनाया गया, देन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 में बनाया गया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस रूल्स 1978 में बनाए गए, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 1991 में बनाए गए, ये जिसके तहत उन्होंने नोटिफाइड किया कि जो दरियाई किनारे वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे प्रदूषण को रोका जाए, ताकि वहाँ पे जो बैक वाटर्स हैं या नेचुरल बफर्स हैं, कोरल्स हैं, मैनग्रूव्स हैं, चेर के जो जंगल होते हैं, बीचेस, कोस्टल ड्यून्स जो है उनका संरक्षण किया जा सके। अभी रिसेंटली ये गंगा एक्शन प्लान भी गवर्नमेंट लेकर के आई है टू क्लीन गंगा, गंगा यमुना नदी को साफ करने के लिए। तो ये सब चीजें जो है इनको फॉलो करवाना, और इनको सबसे जरूरी है लोगों को इंडिविजुअल लेवल के ऊपर समझना बहुत जरूरी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं साथ में कोविड के बारे में जरूर बोलूंगी कि देखो कोविड की सिचुएशन बहुत बुरी हो रही है अभी सिलवासा के अंदर, इसलिए सभी स्टूडेंट्स सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे रहें, और बाहर जब भी निकलें मास्क लगा के निकलें, और बिना जरूरत के बाहर ना निकलें, क्योंकि बहुत बुरा सिचुएशन है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे चलने लग गया तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है, कौन आपका ध्यान रखेगा? जरूरी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। आप पहले इसको प्रिवेंट करो डिजीज को, ताकि वो आगे से आगे स्प्रेड नहीं हो। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।